Please, sit down. How are you, Archana? How are you, first of all? I'm very handsome. Tell me, how are you? I'm also very handsome. Okay, it's said that every successful man behind someone is a woman's hand. So, when a woman can make a woman with her hand, so if that woman is a woman, खुद सफल होने की ठान ले तो उसे कौन रोक सकता है? हाँ बिल्कुल। आज की हमारी जो मेहमान है, वो ऐसी ही सफल महिलाएं हैं जिन्होंने अपने-अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। तो सबसे पहले मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। आप उनको बाखूबी जानते हैं। ये एक्टर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। प्लीज वेलकम रवीना टंडन। बहुत स्वागत है आपका। I'm good. जोरदार तालियां हो जाए रवीना जी के लिए। इनको जब पता चला ना अर्चना जी को आप आ रही हैं, ये बड़ी खुश हुई। इन्होंने मुझे कहा कि रवीना ने मुझे मोटिवेशन दिया, क्योंकि सबसे पहले आपको याद होगा आप ही एक बार सिद्धू जी की कुर्सी पे बैठी थी। हाँ, correct। तो ये कह रही थी ये तो एक बार बैठ के उठ गई कि मैं नहीं उठने वाली। कुर्सी कुर्सी की टेंशन लेनी चाहिए। उस दिन प्रोडक्शन वाले को खामखा पीट दिया आपने। वो बेचारा कपड़ा मार रहा था कुर्सी पे, ऊपर ही जाके बैठ गई उसके। कहता मैडम मैं तो कपड़ा मार रहा हूँ, मैं कौन सा मिट्टी डालती हूँ कुर्सी पे, इतना नहीं टेंशन लेते हैं सर। जो विजुअल्स बनाता ना मेरे दिमाग में कि मैं उसके ऊपर ही बैठ गई। कसम से पूरा एपिसोड निकाला, वो ऐसे ही रहा थी, ऊपर बैठी नहीं है। अच्छा मैं रवीना जी के बारे में बता दूं कि आप इनको बतौर एक्टर ही जानते हैं, लेकिन ये बहुत सारे सोशल वर्क भी करती है। ये महाराष्ट्र की वाइल्ड लाइफ गुडविल एम्बेसडर भी है। इन्होंने कुछ साल पहले एक लेपर्ड को अडॉप्ट भी किया था। वाओ। रवीना जी आप देखने जाते हैं लेपर्ड कितना बड़ा हो गया, कैसी संगत में है, इधर उधर कहीं किसी लेपर्डी के चक्कर में लीपा पपड़ी तो नहीं हो रही, ये मतलब आप ध्यान रखती हैं? अगर लेपर्डी के चक्कर में पड़ेगा तो अच्छा है ना, संख्या बढ़ेगी हमारे। हाँ, ये तो है। तो ये तो बल्कि हमें लेपर्डी की परेड करनी चाहिए उसके सामने। नहीं लेकिन आपने हाथ में रवीना जी ये भी बनाया, ये टैटू जो है। हाँ जी, ये उसके पाव होते हैं। हाँ जी, और स्वीट शेरनी के पाव। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप सब अर्चना जी को भी बतौर एक्टर ही जानते हैं, लेकिन ये भी मड आइलैंड में जो मगरमच्छ होते हैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर है। इन्होंने सारे मगरमच्छों को बोल रखा कि तुम अगर दिन में 100 मछलियां पकड़ते हो तो 10 मुझे दोगे, 10% लेती हैं। आपको पता है मगरमच्छों में तो कहावत बड़ी पॉपुलर है कि मड में रह के अर्चना से बैर। आइए प्लीज विराजमान हो जाए, जोरदार तालियां रवीना जी के लिए। और अब वक्त है आज की हमारी दूसरी मेहमान को यहाँ पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम ऑस्कर विनर प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा कपूर। वेलकम गुनीत, वेलकम 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 वेलकम, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। अभी हाल ही में आपने तमाम न्यूज चैनल्स पे देखा होगा कि इन्होंने अभी एलिफेंट डिस्प्रेस के लिए ऑस्कर जीता है। बहुत प्राउड है आपकी इस अचीवमेंट पे गुनीत जी, और आपको बहुत बहुत मुबारक है। अच्छा सारा देश सुबह 5 बजे उठ के आपको टीवी पे लाइव देख रहा था, आप तो वहाँ पे मौजूद थी खुद साक्षात, क्या माहौल था वहाँ का गुनीत? काफी टेंस था क्योंकि हमारी पिक्चर का नाम है द एलिफेंट विस्परर। हाँ। और हमारी कॉम्पिटिशन में एक और थी द। अच्छा, वो द पे अटक गए, वो जो एक सेकंड था ना उसमें जान निकल गई थी, उसमें पूरा पूरी मुझे अपनी जिंदगी दिख गई थी उस द में। आगे बोल ले द के आगे क्या है? द के आगे हमें या दूसरी वाली पिक्चर है, सो द एलिफेंट विस्परर्स। इट वाज क्वाइट क्वाइट स्ट्रेसफुल। थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए बड़ी बधाइयां बनती हैं, एक तो ऑस्कर की बधाइयां, और अभी भी इनकी शादी हुई है अभी 12 दिसंबर को। गुनीत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। सेम मैरिज एनिवर्सरी। हाँ, हमारी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू, आपका इनविटेशन इतना ब्यूटीफुल था ना। हाँ। तो मेरी उस दिन खुद एनिवर्सरी थी, और वो पंजीरी मैंने सारी खाई, मैंने किसी को दी भी नहीं। हाँ, लग रहा है। और ढेर सारी मुबारकबाद। हाँ लग रहा है, तो फिर क्या नहीं खाएं? आपको दे दे। तालियां स्पेशल बनती हैं, इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया है कि अगर इंसान के इरादे पक्के हों तो वो किसी भी ऊंचाई को छू के द कपिल शर्मा शो में आ सकता है। आइए आप। So nice to see you here. अच्छा आपने ये साड़ी भी कितनी प्यार, वाओ, अच्छा ये आपने खुद बनवाई है ना साड़ी ऐसी? हाँ जी। नहीं नहीं, बहुत डिजर्व करती हैं आप। मैं मॉडल कर देती हूँ ना। ओह वाओ, थैंक यू।
उर्वशी है जिन्होंने पेंट किया है। और ये मजेदार इस साड़ी की खूबसूरत बात ये है कि बनाए उसने दो ही आती हैं, वो चल चल के इधर उधर जाते रहते हैं। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, बताओ गुनीत इनको मान नहीं रही, सीरियसली इट्स अ 3D 4D इफेक्ट। गुनीत जब आप ट्रॉफी लेके आई ऑस्कर की इंडिया में, तो जब आपके रिश्तेदार आपसे मिले तो पहले आपके साथ फोटो ले रहे थे कि ट्रॉफी के साथ? ट्रॉफी के साथ ही। ट्रॉफी मुझे लगता कोई भी मेरे साथ लेना चाहता है, सब लोग ये दे दो मतलब। पर आप नहीं होती तो ट्रॉफी कैसे आती यार, वाह थैंक यू। अच्छा गुनीत ने 2010 में स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड नॉमिनेटेड शॉर्ट फिल्म जो है कभी वो प्रोड्यूस की थी जी, और फिर 2018 में एकेडमी अवार्ड विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस की ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी। तालियां बनती है इस बात के लिए। थैंक यू। अच्छा आपको ऑस्कर का इतना अनुभव है जी, आपको और फिल्म इंडस्ट्री से लोगों का फोन आता है कि ऑस्कर की रेसिपी तो हमें बता दो, कितना हाथी डालना है, कौन से जंगल में जाएं, लोगों के फोन आते हैं आपको ऐसे? मतलब ऑफ कोर्स सब बहुत पूछते हैं कि कैसे किया, कैसे होगा एंड हम कैसे करें। कुछ एक है मतलब जरूरी है कुछ चीजें, एंड एटलीस्ट आपके शो के माध्यम से मैं सबको एक बार में बता सकती हूँ जी, क्योंकि सब देख रहे होंगे कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव यूएस डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहां से वो शुरुआत होती है। अच्छा रवीना जी, आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है जी, आप अभी ऑस्कर लेके आई हैं, तो ये जनता जानना चाहती थी कि जब आप एयरपोर्ट पे जाती हैं तो सिक्योरिटी चेक होता है कि अवार्ड दिखा के निकल जाती हैं आप? मेरा ना ये पूरा ना ब्लैक कलर का वैसा बनकर आ जाता है, मेरे पास कुछ फोटोज भी हैं। अच्छा जी, इट्स क्वाइट नाइस, जितना मर्जी उसको लपेट लो वो पूरी शेप उसकी बनकर आ जाती है एक्सरे में, और हर बार निकाल के दिखाना। अच्छा, तो मैंने बोला ऑस्कर है, हाँ हाँ देखना निकाल के दिखाओ। मैंने बोला सर बड़ा पैक, अरे निकाल के दिखाओ हमें देखना है क्या है, एंड देन सब फोटो लेते हैं उसके साथ। तो फिर मैं फिर उसके बाद आगे मुझे जाने की परमिशन मिलती है। तो दोस्तों सिलसिला अभी रुका नहीं है, अब वक्त है आज की एक और बहुत ही खास मेहमान को मंच पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम एजुकेशनिस्ट, ऑथर, फिलैंथ्रोपिस्ट, पद्म भूषण मिसेस सुधा मूर्ति। सुधा जी नमस्कार, प्रणाम 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 प्रणाम, आइए आइए, जोरदार तालियां हो जाए सुधा जी के लिए। सुधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद धन्यवाद, और आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज विराजमान हो जाइए। थैंक यू। मेरे दोस्त हैं जो हमारे शो में को प्रोड्यूसर हैं मिस्टर अक्षित, इनकी मम्मी कभी नहीं आई हमारे शो पे 3-4 साल से, आज पहली बार आप आ रही हैं तो आपसे मिलने के लिए आई हैं। तो नमस्ते मैडम। नमस्ते। और पद्म भूषण से सुधा जी को सम्मानित किया गया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और सुधा जी के कामों के बारे में क्या बताएं, सुधा जी ने इंफोसिस फाउंडेशन की शुरुआत की और ये एक बेहतरीन ऑथर हैं, इन्होंने कई सारे अनाथालय जो हैं वो शुरू किए, रूरल डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये इतनी पावरफुल लेडी हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी झुक के इनके पैर छूते हैं। क्योंकि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं ऑनरेबल ऋषि सुनक जी, वो इनके दामाद हैं। मैम एक बात बताइए, आप जब कभी यूके जाती हैं तो आपको वीजा लेना पड़ता है कि शादी का कार्ड दिखा देती हैं आप? नहीं नहीं नहीं, वीजा तो लेना चाहिए नहीं। और लेती हूँ मैं, और एक बार मैं गई थी और रेसिडेंस एड्रेस पूछा था, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आपकी हिंदी, ओके टाइप है, ओके टाइप। इनकी हिंदी भी अच्छी है, इनकी मराठी भी अच्छी है, इनकी कन्नड़ भी अच्छी है, मल्टीलिंगुअल है, अच्छा। उस समय वो एड्रेस पूछा, वेयर आर यू स्टेइंग इन लंदन, मेरी दीदी थी मेरे पास बराबर, और मैंने लिखा 10 Downing Street। नहीं मैं सोच रही थी क्या लिखूँ, क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, मेरा सन भी उधर ही रहता है, मेरा बेटा भी, उसका एड्रेस मुझे बाय हार्ट नहीं था, इसीलिए मैं 10 Downing Street लिखूँ क्या नहीं उससे पूछ रही थी, और बाद में लिखा 10 Downing Street। वो दैट फेलो लुक्ड एट मी एंड सेड आर यू जोकिंग, हमने बोला नहीं सच्ची बोलती हूँ 10 Downing Street। उनको ऐसा लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, कि किसी को नहीं पता लगता है कि मैं ऐसी हूँ, 72 years old lady हूँ और सिंपल हूँ, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर की सास नहीं बन सकती हूँ ऐसा लगा। मैम आपको
एक बार आप जब फ्लाइट पर जा रही थी कहीं अब्रॉड, तो दो बिजनेस क्लास पैसेंजर्स ने, आप लेडीज ने आपको ये भी कहा था कि आप वो इकोनॉमी वाली लाइन में जाइए, ये आपकी जगह नहीं है, है ना? हाँ, एक बार मैं हीथ्रो में, अभी नहीं, दो साल, चार पांच साल पहले हीथ्रो एयरपोर्ट में थी, मैं सलवार कमीज पहनी थी और बिजनेस क्लास का टिकट था मेरे पास, वो क्यू में खड़ी थी। उनको लगा इफ़ यू वेयर ए साड़ी, आप साड़ी पहन लिया तो, नहीं तो सलवार कमीज पहन लिया तो ये दीदी है, बहन जी है, इसीलिए तो बोल दिया कि बहन जी ये आपका नहीं है टिकट का क्यों, उधर है ना इकोनॉमी, उधर ठहरना चाहिए। मैंने सोचा जरा मजाक कर ले, आपसे सीखा है हमने। आप तो गुरु है इसमें। अरे इसीलिए मैंने बोला नहीं, मैं इधर खड़े रहती हूँ। वो बता दिया कि तुमको मालूम है बिजनेस क्लास टिकट कितनी कितना महंगा होता है, हाँ। कितने एडवांटेजेस है, और दोनों बात करते थे, हमने ऐसे ही चुप रहे। हाँ। वो बोल दिया हिंदी में, हिंदी में बोलते थे, बाद में बोला इंग्लिश में बोलना शुरू किया, अरे कैटल क्लास लोग है, कैटल क्लास, उनको क्या पता है इकोनॉमी के लोगों को, बिजनेस क्लास माने अभी एयर होस्टेस आ जाती है, बाद में वो क्यों चेंज करती है, लेकिन एयर होस्टेस आ गई, वो मुझे अंदर छोड़ दिया। और मैं जाके उनको पूछ लिया, मैंने बोला व्हाट इज कैटल क्लास, क्लास ए ऐसा नहीं डिफाइन होता है कि आपके पास पैसे हैं आप क्लास होते हैं। अभी इंडिया को इतना सम्मान लाया है मंजुल भार्गव, ग्रेट मैथमेटिशियन है, वो क्लास लोग होते हैं, मदर थेरेसा क्लास होते हैं, अभी हमारे ए क्लास लोग होते हैं, और हंसी मजाक में आप क्लास है। और एक्टिव में हमारा रवीना जी है, क्लास माने आपके काम में श्रद्धा रख के अच्छा काम करते हैं ना, वो क्लास लोग होते हैं, पैसे में नहीं है, इकोनॉमी क्लास माने क्लास कम क्लास ऐसा। मैम यहाँ पे ना अभी क्योंकि आपके इतने सारे चाहने वाले जो आपको एडमायर करते हैं, मैं आपको एक खाली एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर कोई एक लेडी आके आपसे मिले हाँ। कि मुझे आपके साथ फोटो खिंचानी है हाँ। तो मैं आपको धीरे से बता दूंगा वो कौन है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके साथ फोटो खिंचवा के ना वो आगे यूके भेज सकती हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, भेजने दो। तो वो हो सकता है वो ये भी बोल दें कि ऋषि बेटा मैं तुम्हारी मौसी सास हूँ और मैं शादी में नहीं आ पाई थी क्योंकि सुधा दीदी से मेरी थोड़ी अनबन हो गई थी लेकिन तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर बनते सारे शिकवे दूर हो गए। अब मेरा लंदन में 5 रात और 6 दिन का स्टे, ऐसे भी है हमारे यहाँ पे। मैम ही इज हिंटिंग एट मी, नो डाउनिंग स्ट्रीट में रहने जाकर आप इसकी किसी भी बात का प्लीज मतलब डोंट बिलीव हिम। नहीं हंसी मजाक तो चाहिए नहीं तो लाइफ रुक्ष हो जाता है। हाँ बिल्कुल देखिए पता ही आप सबको कि सुधा मैम के जो हस्बैंड है श्री नारायण मूर्ति जी वो इंफोसिस के फाउंडर हैं और कहते हैं ना कि जैसे मैंने भी बात की कि सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है हाँ। लेकिन सुधा मैम जी के बारे में हमने सुना है कि इनके हाथ के साथ साथ इनके हाथ में 10,000 रुपया भी था जो आपने शायद मूर्ति सर को लोन दिया था। इज इट ट्रू मैम? सच है, मूर्ति साहब इंफोसिस 1981 में शुरू किया। अच्छा जी। और हमारे पास पैसे नहीं थे, हम बंबई में थे, हम रेंटेड हाउस में रहते थे बांद्रा में, और एक दिन वो आके बताया कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करते हैं मेरे साथी के साथ। हमने बताया कि पैसे किधर है, और वी केम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली, पैसे नहीं थे। देन ही एक्सप्लेन टू मी कि इंडिया रिक्वायर्स अ सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन, ऐसे भाषण दिए हो। बाद में हमने बोला ओके मैं क्या करना चाहिए, नेक्स्ट थ्री ईयर्स आई विल नॉट अर्न एनी मनी, तुम काम करना और पैसे लाना घर को और जरा मुझे पैसे देना भी शुरू करने के लिए, सपोर्ट करना। तो मेरे पास बिना मूर्ति के नॉलेज से मैंने अंदर एक ओल्ड टिन डब्बा में 10,250 रखी थी। अमेजिंग। मैं ये सभा में बोलती हूँ, सब लेडीज को ये बोलती हूँ, हस्बैंड के ज्ञान के बिना प्लीज सेव मनी एंड कीप इट। सुधा मैम 99.9% इंडियन वुमेन जरूर करती हैं ये। बिना हस्बैंड अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। वो 10,000 दिया उसमें 10,250 था, ओनली 10,000 मैम ने दिया, 250 इमरजेंसी के लिए रखा था। बट आई एम द बेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। वो 10,000 रुपए क्या दिया है, अभी मैंने बिलियन मिला है। तो उसके बाद उन्होंने आपका उधार चुकाया कि बाकी पतियों की तरह कहते हैं सब तुम्हारा ही है सुधा? नहीं नहीं ऐसा हो किया तो भी हम आंसर देते हैं ना, मैं कुलकर्णी हूँ,
बस शादी के पहले मैं ट्विंकल नहीं थी, हम अकाउंट बहुत अच्छे रखते हैं, हमारा डीएन में है। तो हमने बताया नहीं, वो हमारा पैसा अलग, सब हमारा नहीं है, आपका भी रहने दो, लेकिन मेरा 10,000 का वो अलग है। सुधा मैम, ऐसा होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं है वो कमाने की सोचता रहता है, जिसके पास होता है वो डबल करने की सोचता रहता है। आपको मैंने देखा, आप हमेशा आपके चेहरे पे की मुस्कुराहट रहती है, खुश रहने का राज क्या है मैम? सीरियस नोट में बोलती हूँ, मैं कभी गरीब लोगों को देखती हूँ, असहाय लोगों को देखती हूँ, मुझे लगता है कि मेरा एक कर्तव्य है उनके पास, मैं कुछ करना चाहिए, वही मेरा मोटिवेशन है। right. मेरा मोटिवेशन, मैं कभी भी हेल्पलेस लोगों को देखती हूँ, और व्हेन आई सी द डिफिकल्ट सिचुएशन, मुझे लगता है मन में मेरा कर्तव्य है उनके लिए, वही मेरा मोटिवेशन है। मैं एक डॉक्टर की लड़की हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से आई थी मैं, और हमारे घर में सिर्फ किताबें थे, और भगवान ने मुझे, मैं नारायण मूर्ति को शादी किया, उस समय वो अनएम्प्लॉयड थे। अच्छा जी। ओके, मेरे पिताजी ने पूछा, अरे अनएम्प्लॉयड को शादी कर रही है, वो लोगों ने मुझे पूछ लिया, तो मैं क्या बताऊँ लड़का क्या करता है, सुधा के हस्बैंड बोलो, मैंने हमने ऐसे बताया। और नारायण मूर्ति ने इतने सफल उद्यमी हो गए, ये भगवान का दुआ है हमारे पास। क्यों भगवान मुझे ऐसा किया, क्योंकि मैं गरीब लोगों को मदद करने के लिए पैसा दिया है, उसमें मेरा क्या बात कर्तव्य। अर्चना जी, आई ऑलवेज लाइक योर फिल्म्स विद अ वेरी फनी थिंग्स। आई रिमेम्बर शाहरुख खान एंड रानी मुखर्जी फर्स्ट फिल्म, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, यू आर इंग्लिश टीचर, यू डिड वेरी गुड जॉब। देखा कपिल, क्लास वाले लोग क्लास पहचानते हैं। इधर क्या कर रही फिर 5 साल से आप? ये मुझे पता, आप दिल से प्यार करती मुझे। दिल से बिल्कुल। लड़की हो जाने से मैंने पानी लगा के रखी थी, आए बड़े उसके पास लगा के, मैंने पहले बोला था रिजल्ट का, दामाद जी समझा लो अपनी बीवी को, आज इसने मुझे एटीएम में से पैसे नहीं निकालने दिए। तो आप कार्ड से निकाला करो ना, स्क्रू ड्राइवर से क्यों निकालती हो आप? ये मेरी दूर की पत्नी है मैम, कजन वाइफ। मैं क्लियर कर देती हूँ, बैटर तो वो है, ये तो सिर्फ हाफ हाफ है। मम्मी तुम कौन सा 8 फीट लंबी हो, जैसा पेड़ वैसा फल। ऐसा है, अरे ऐसा है, पेड़ तो ये स्ट्रॉबेरी का था, लेकिन इसके डैडी जी अच्छे माली ना निकले। ये देख, वरना आज मेरी बेटी रवीना टंडन जैसी होती। सुधा जी ये माफ कीजिएगा, ये एक्चुअली मेरी सासू माँ है। मेरी जब शादी हुई थी ना, तो विदाई के वक्त गाड़ी को धक्का देखते देते ये और मेरे ससुर जी डिक्की में बैठ के आ गए, तब से ये गए नहीं वापस, वापस ही नहीं जा रहे हैं तब से ये। क्या दामाद जी, सास ससुर का ऐसे नहीं कहना चाहिए। सोचे दामाद जी, सास ससुर का आशीर्वाद हो तो दामाद प्राइम मिनिस्टर तक बन जाता है, क्यों सुधा जी? है कि नहीं? लेकिन सास शुड बी सिंपल होना चाहिए ना। आपको पता है हरकतें कैसी करती हैं? उस दिन मेरे लैपटॉप में ना ब्रेड में आलू डाल के लैपटॉप में रख दिया, कह रही सैंडविच मेकर काम क्यों नहीं कर रहा, लैपटॉप बोलते हैं उसको। अरे दामाद जी भूल गए, भूल गए। जवाब दो अभी, जवाब जवाब दो। अरे जवाब दे रही थी मैं, अरे कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है दामाद जी, हाँ, लेकिन मैं जवाब दूंगी नहीं, क्योंकि आप मुझसे भी बड़ी औरत हो, आपने और 4 बातें सोच के रखी होंगी। भूल गई। बात कर रही है, एक तो तुम्हें मटर खाना बंद करो प्लीज, बाजार में जाके 2 किलो मटर खरीदे थे आज, मैंने 1 किलो बचा है सिर्फ। अरे तो क्या हुआ, जब तू मटर पनीर की सब्जी बनाएगी तो उसमें से मुझे मटर मत दियो, मैं पनीर पनीर खा के काम चला लूंगी, ठीक है? और आप पूछ रहे थे ना रवीना जी कैसा हूँ मैं, बस ये देख लो फंसा हुआ हूँ मैं इनके बीच। रवीना मैम, ये ना आप बैठी हैं इसलिए आपके सामने ये सब बोल रहे हैं, वरना कॉलेज के जमाने में ये मुझे बोल रहा था चीज बड़ी है मस्त मस्त, इसी की पसंद है। कॉलेज के टाइम में पढ़ाई का कितना प्रेशर होता है, प्रेशर में आदमी गलत फैसले ले लेता है, आपको पता ही है। तो क्यों हंसी?
गया गले में? नहीं 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 दामाद जी, मैं ये कह रही हूँ कि दामाद जी ने एकदम सच कहा है, और सच मैंने सुना है कड़वा होता है, पर यहाँ तो सच बड़ा फनी है। देखो हुआ क्या रवीना जी, जब दामाद जी से देखने आए ना घर में, तो मैंने दामाद जी के सामने चाय के साथ रख दिया इतना बड़ा समोसा कि दामाद जी जो है समोसा ही देखते रहे, कितना अजीब है, कितना अजीब है, और हमारी बिंदु अजीब पे उसका नजर ही ना जाए। आपको पता है जब इन्होंने इतना बड़ा समोसा ला के रखा ना, तो बगल में ये भी बैठी हुई थी, पहले मुझे लगा ये भी समोसा ही है, फिर जब ये बोलना शुरू की तब मुझे पता चला ये इंसान है। अब मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं दामाद जी, अब जाने दो। याद हो तो बोलूं। सुधा जी देख रही हैं आप, एक आपके दामाद जी है ऋषि सुनक जी, हा? एक मेरे दामाद हैं किसी की ना सुनक जी। है कि नहीं? बस अपनी अपनी बोलक जी। अरे दामाद जी बहुत बोल लिए, आज मेरे आइडल्स आए हैं, मुझे इंटरव्यू ले लें दो। इंटरव्यू की स्पेलिंग आती है आपको? स्पेलिंग तो मुझे चिल्ड्रन की भी नहीं आती, फिर भी नौ नौ बच्चे हुए हैं कि नहीं। की बात कर रहे हैं। देखो ये सब करने आई हो तुम यहाँ? लोग बिंदु, मैं एक इंडिपेंडेंट वूमन हूँ, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। तो अपनी मर्जी से आप अपने घर क्यों नहीं चले जाती फिर? अरे ऐसे कैसे अपनी मर्जी से घर चले जाऊँ दामाद जी, हर महीने रेंट देती हूँ। किसे रेंट देते हो आप? अच्छा बिंदु तूने बताया नहीं है, अरे हर महीने 5 तारीख से पहले रेंट लेती है ये मुझसे। अपने माँ बाप से रेंट लेती हो तुम बिंदु? नहीं लेना चाहिए ना दामाद, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, माँ बाप से रेंट कौन लेता है। बस हो गया, रिकॉर्ड हो गया, बस यही बुलवाना था आपसे। ठीक है, है कि नहीं? अब खबरदार जो किसी ने मुझे इस घर से जाने को कहा। अच्छा अब मैं अंदर जाके मटर पनीर बनाती हूँ। अच्छा सुधा जी प्रणाम, सादर प्रणाम, मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ, बूढ़ी साथ में खा के जाइएगा। गुनीता आपके बारे में सुना कि पहले जब ऑस्कर जो उस समय हमारी प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल जी, आपने कुछ चिट्ठी लिखी थी उनको, वो क्या किस्सा था वो? सो 2010 में मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी कवि, जो नॉमिनेट हुई और बहुत मन था जाने का। अच्छा, और 2009 में ही मेरे दोनों मम्मा पापा की डेथ हो गई थी, और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं दिल्ली छोड़ छाड़ कर बॉम्बे आ गई थी कि यहाँ पिक्चरें करेंगे, जो भी करेंगे यहाँ सबके साथ, 4-5 लड़कियों के साथ एक घर में रहना, तो बिल्कुल पैसे नहीं थे, बट अमेरिका जाना था, वीज़ा भी नहीं था। तो मैं रोज़ ऐसे जिन लोगों के पास पैसा है उन लोगों को मैं ईमेल लिखती थी, तो और वो भी मतलब ऐसे रिचर्ड ब्रांसन, ऐसे रतन टाटा, मतलब ऐसे ऐसे मैंने ईमेल्स लिखी हैं उनके ईए, उनके पीआर को ढूंढ ढूंढ के रोज ईमेल लिखती थी। और एक बार ये वैसे एयरलाइंस को ईमेल लिखती थी कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ साधन मिले। तो बड़ा एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर मैंने ऑनरेबल मिसेस प्रतिभा पाटिल जी को चिट्ठी लिख दी, वहां से जवाब आ गया कि भाई बता दो तुम्हें क्या चाहिए, मतलब क्या करना चाहते। तो मैंने कहा मैम, मैंने आगे से उनके फोन पर बोला उनके असिस्टेंट को कि आई एम द प्राइड ऑफ इंडिया एंड आई वुड लव टू अटेंड द ऑस्कर्स एंड आई वॉन्ट टू गो देयर विद माई टीम एंड जो एडी है विकास चंद्र जिन्होंने सारी बनाई, जो लड़का था जो कवि बना था सागर सोलंकी, मैं सबके साथ जाऊंगी, तो आई वुड लव टू शो यू द फिल्म। ऐसे कैसे फोन पर मांग लूँ ना कि टिकट दे दो और एक वीजा का भी जुगाड़ कर दो कहीं से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तो हम एक राष्ट्रपति भवन में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, वैसे तो राष्ट्रपति भवन भी कभी नहीं देखा इसी बहाने। तो मैंने कहा राष्ट्रपति भवन में पूरी टीम ले आऊँ, अमेरिका तो हम तीन लोग ही जा पाएंगे, हम 24 लोग हैं, पूरा क्रू ले आऊँ। तो वो मान गए, फिर हम सब पहुँचे राष्ट्रपति भवन एंड वहाँ पर प्रतिभा पाटिल जी बजट के बीच में थी तो वो नहीं देख पाई पिक्चर, बट वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान साहब थे, उन्होंने वो मेरे से मिले और उन्होंने अपने घर बुलाया, उन्होंने मेरी बात सुनी और टिकट्स दिलवाई, उनके ऑफिस ने फ़ोन करके वीज़ा दिलवाया, हमें स्टे दिया, फिर मेरा बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। तो ऐसे करते करते और वहाँ जाकर भी मैं सबसे पहले जाते ही बेवरली हिल्स में एक इंडियन होटल में चली गई जिस दिन लैंड की, और वहाँ जाकर मैंने जितने भी वहाँ पर इंडियन से, मैंने उनमें से एक आंटी को बोला कि हम लोग यहाँ पर ऑस्कर के लिए आए हैं। तो फिर वहाँ पर बहुत मतलब गाड़ी वाड़ी सब वहीं ऑर्गेनाइज हो गई। क्या बात है, मतलब
ये सोच भी आना कि मैं राष्ट्रपति को सीधा चिट्ठी लिख दूं। नहीं पता मेरे ना, भी कई मैं किस्सा सुनाना चाहती हूँ। मेरे ना पापा ने बोला था कि अब तुम 18 साल के हो गए ना, हम तुम्हें एजेंट, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बना देते हैं। तो उनका मन था कि वो अपने दोस्तों को लाइफ इंश्योरेंस बेच देंगे और मुझे उसका रेवेन्यू मिलता रहेगा। अच्छा। हर साल जो जैसे रिन्यू करेंगे तो मुझे कुछ कमीशन मिलता रहेगा। तो वहाँ मैंने कोर्स किया। अच्छा। और बस ये मैं किस्सा आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि जब आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनते हैं आपको एक सिखाया जाता है दैट यू हैव टू बी यूज्ड टू नो। आप एक, आपको बहुत लोग मना करेंगे बिकॉज आप अपने ही सर्कल में और लोगों को जाकर बोल रहे हो कि देखो आप अगर मर जाओगे तो अपने फैमिली के लिए कुछ करके चले जाओ, हमें अभी पैसे दे दो, पैसे दे और दो। इतने लोग यू नो कट टू कट जीते हैं और इंश्योरेंस के बारे में इतना नहीं सोच पाते एंड वो कहीं ना कहीं गलती भी है। तो बट द क्रक्स ऑफ माई लर्निंग वॉज कि 10 पीपल विल से नो टू यू एंड 1 पर्सन विल से यस, बट यू हैव टू कीप गोइंग। अच्छा, सुधा जी के बारे में भी हमने सुना है। सुधा जी, आपने जेआरडी टाटा साहब को कुछ चिट्ठी लिखी थी, कुछ आपने शायद उनसे कंप्लेंट किया था किसी, वो क्या किस्सा था सुधा जी? आई थिंक वी आर ऑल फेमस फॉर राइटिंग लेटर्स। आस्की प्राइड ऑफ इंडिया। 1974 हम बेंगलुरु में टाटा इंस्टीट्यूट में एमटेक कर रही थी। अच्छा। मेरे क्लास में मैं अकेली लड़की थी। मैं बी किया था 1972 में, उस साल भी यूनिवर्सिटी में मैं अकेली लड़की थी, सब बॉयज। और मुझे अमेरिका में स्कॉलरशिप मिल रहा था पीएचडी करने के लिए। एक दिन मैं हॉस्टल को आ रही थी और एक चिट्ठी एक नोटिस बोर्ड पे था, टेलको पुणे जमशेदपुर इज इनवाइटिंग यंग ब्राइट इंजीनियर्स विद अ गुड सैलरी ट्रेनिंग, लेकिन बाद में लेडीज स्टूडेंट्स नीड नॉट अप्लाई। दो लाइन था, आपके एडवर्टाइजमेंट में होता है ना, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, छोटे लेटर में ऐसा था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और वो 23 ईयर्स की थी, गुस्सा उस समय ज़्यादा आता है, अब आजकल नहीं। और पढ़ने के बाद मैं हॉस्टल गई और एक पोस्ट कार्ड लिया और उस पर ऊपर लिखा सर जेआरडी टाटा, बिकॉज जेआरडी टाटा हमारे इंस्टीट्यूट को एवरी ईयर आते थे टाटा का बर्थडे मनाने के लिए 15 मार्च को। अच्छा। मैं बहुत दूर से उनको देखती थी, हम तो स्टूडेंट्स थे और मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड था, ऐसे बड़े बड़े लोगों को नज़दीक जाके बोलने का हिम्मत नहीं था। और वो बहुत हैंडसम थे, बहुत ग्रीक स्टैचू ऐसे होते थे। और मैं आके चिट्ठी उनको लिखा कि सर मिस्टर जेआरडी टाटा, व्हेन कंट्री वाज नॉट इंडिपेंडेंट दैट टाइम योर ग्रुप स्टार्टेड केमिकल्स लोकोमोटिव एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम एंड समाज में महिला और पुरुष दोनों 50-50% होते हैं और महिलाओं को आप चांस नहीं दिया तो यू आर कटिंग द सर्विसेज ऑफ वुमन, दैट मीन्स योर कंट्री विल नॉट प्रोग्रेस। एंड आई एम कभी महिलाओं को एजुकेशन नहीं है, कभी उनको जॉब को अपॉर्चुनिटी नहीं, तो ऐसा कंट्री और ऐसा समाज कभी ऊपर नहीं आता है। और ये मिस्टेक है आपका कंपनी का, ऐसे हम लिख दिया। और उनका एड्रेस मुझे मालूम नहीं था, हम हुबली के हैं, इंटरनेट नहीं उन दिनों में। हमने ऐसा सोचा कौन नहीं लिखा है लेडीज स्टूडेंट्स नीड नॉट अप्लाई टेलकॉम कंपनी ना, ओके जेआरडी टाटा टेलको बॉम्बे, इतना ही मैं एड्रेस लिखा के पोस्ट कार्ड पोस्ट किया। हमने ऐसे ही लिख दिया, जेआरडी टाटा तो अनभिषेक सम्राट थे ना, उनको पोस्ट कार्ड मिला। वो पढ़ने के बाद उनको गुस्सा आ गया, वो बुलाया, एक लड़की पूछ रही है ये न्याय नहीं है और ये अन्याय है, ये बराबर है, उसको एक चांस देना चाहिए, वो अच्छा किया तो देखेंगे, अच्छा नहीं किया तो हम ना पास फेल करेंगे। उस समय मैं लेडीज हॉस्टल में थी, उस समय लेडीज हॉस्टल में टेलीफोन नहीं होता था क्योंकि बॉयज से हम फोन करते हैं, वो सोचते थे बिना टेलीफोन भी पत्र लिख सकते हैं ना। एनीवे हमें टेलीग्राम आ गया, प्लीज अटेंड टेलकोज फाइनल इंटरव्यू एट पुणे एट आवर एक्सपेंस फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट। पुणे और बंगलोर में प्लेन नहीं था उस दिन में, ये 1974 साल है, कितने 50 साल हो गया ना। और मेरे सहेली थे वो सब पीएचडी करते थे, सब मुझे बता दिया चले अब जाइए पुणे में, साड़ी बहुत सस्ता मिलता है, 30 रुपये को साड़ी मिलता है, हम सब 30 रुपये दिए और एक साड़ी मुफ्त में आपको देते हैं हम, चले जाइए। हम पुणे आ गए, इंटरव्यू अटेंड किया और मैं टेक्निकली आई वाज वेरी वेरी गुड, सो आई कुड रिप्लाई ऑल द टेक्निकल क्वेश्चन। अच्छा। देन आई आस्क्ड देम व्हाई आर यू नॉट टेकिंग वुमेन, दे सेड बेटा प्लीज अंडरस्टैंड
यू मे बी वेरी गुड इंजीनियर, लेकिन हमारा प्लांट, एक प्लांट है जमशेदपुर में है और एक प्लांट है पुणे में है. अभी तक एक लड़की भी हमारा शॉप फ्लोर में नहीं है. वो शिफ्ट में काम होता है, सुबह 6 दोपहर में 2 बजे, और वो मर्दों के साथ काम करना होता है और आप अकेले होते हैं. इसीलिए हम बोलते हैं आप R&D नहीं तो PhD में आप बराबर काम कर सकते हैं. हमने बताया, मेरे नाना जी इतिहास के टीचर थे, ही टोल्ड फॉर 10,000 steps जर्नी देयर इज ऑलवेज 1 step टू स्टार्ट. इसीलिए हमने बोला आप ऐसे बोलते थे, ये जग में कभी भी लड़कियां काम नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वन और अदर डे दे हैव टू कम एंड यू शुड स्टार्ट दैट. देन आई गॉट द जॉब. वाओ, I got the job. बाद में हम हमारे घर लौट गए. आई वॉज वेरी फ्रेंडली विथ माई फादर. आई टोल्ड माई फादर, देखो हमने एक पत्र लिखा है, पोस्ट कार्ड, ऐसा जॉब मिला. हमारे पिताजी ने हमको पूछा कि आप जॉब लेते हैं क्या? हमने बताया नहीं, हम नहीं लेते, मैं अमेरिका जा रही हूँ PhD करने के लिए. और पिताजी ने पूछा देन व्हाई डिड यू राइट अ लेटर? हमने ऐसे उनको दिखाने के लिए, लेडीज विल नॉट कीप क्वाइट, लड़कियां भी होशियार है, ये दिखाने के लिए हमने लिखा. थैंक यू. लेकिन मेरे पिताजी ने बोला ये गलत है, ये गलत है. When you open the cupboard and you ask for equality, you must take up the job. Oh. Otherwise, you should not talk. बहुत अच्छा एक सलाह दिया हमारे पिताजी ने कि you should walk the talk in your life. What you talk, you should walk. What you walk, you should talk. अभी आप मुझे देखते हैं, आपको क्या, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ. छोटा झूठ बोलती हूँ, अभी खाना खा के आई ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलती हूँ. आपको क्या मुझे, when you look at me, what you see? You get that. That's awesome. There is nothing at my back. What you get, what you see, both are same. So mere pitaji ne bataya, aap kya bolte hain, wo acha nahi hai. Then you know those days, no, it is not my life. Humko mera kamra chahiye, mera space chahiye, aisa nahi tha. Humne 2-3 din soch liya, baad mein mera admission letter maine paad diya, aur I took up the job of telco, the first lady engineer in the house of Tata. Wow. कितनी इंस्पायरिंग है सुधा जी की स्टोरी. तो मैम, जब आप सारे बॉयज थे कॉलेज में, आप अकेली स्टूडेंट है ना, स्टाफ भी सारा ही मेल स्टाफ, वो कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल था. 1968 में मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन किया और मेरे क्लास में 149 बॉयज आर द ओनली गर्ल. इन द यूनिवर्सिटी देयर वाज 599 बॉयज आर द ओनली गर्ल. ओह माय गॉड. एंड देयर वाज नो टॉयलेट, बिकॉज हमारे कॉलेज में ऐसा यो सोच दिया लेडीज नहीं आते, लेडीज टॉयलेट किसके लिए चाहिए, वेस्ट हो जाता है. Then? और हमने ज्वाइन किया. जाने के बाद वो उनको लगा अरे 2-3 महीने रहती है, बाद में छोड़ के जाती है, इसीलिए टॉयलेट नहीं बनाया. हमारे प्रोफेसर को ऐसा लगा अरे ये लड़की क्या करती है इंजीनियरिंग, ये मर्दों का काम है. और उस जमाने में 1968 सालों में ऐसा हिंदी फिल्म चलता था हमारे इंडिया में, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा, ऐसा सॉन्ग. नहीं तो तू ही मेरी देवता, ऐसा सॉन्ग. नहीं तो बांध के मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार, ऐसे गाने प्रचलित थे. और प्रिंसिपल साहब ने मेरे पिताजी को बताया देखिए हमारा 3 शर्त है. 1, तुम्हारी लड़की साड़ी पहनना चाहिए. मैं 16 साल 17 साल की थी, साड़ी पहनना चाहिए क्योंकि उस जमाने में दैट इज द ओनली ड्रेस फॉर वुमन, नो अदर ड्रेस. दूसरा है शी शुड नॉट गो टू कैंटीन बिकॉज बॉयज विल बी देयर, शी शुड नॉट ईट इन कैंटीन. कैंटीन खराब था वो अलग है. तीसरा कंडीशन था आपकी बेटी किसी से साथ, किसी बॉयज के साथ बात नहीं करना. अरे बॉयज ही ना मुझे साथ बात नहीं करते थे, वो डरते थे. अच्छा. ओके. लेकिन वो बहुत मुश्किल था. हमने मन कर दिया कि नहीं, आई विल डू दिस इंजीनियरिंग, लेट देयर नॉट बी एनी टॉयलेट, आई विल वॉक होम इन केस आई हैव टू यूज द रेस्ट रूम, आई विल नॉट टॉक टू बॉयज, इट डजंट मैटर, बट आई विल डू माई वर्क वेरी वेल. मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया. वाओ. और मेरे पिताजी को इतना मुश्किल हुआ, लोग बोलते थे डॉक्टर साहब आपके भेजा में क्या है, आपको 3 लड़कियां हैं, ये लड़की को ये टीनेज में है, उनको मालूम ये ऊपर खाली होता है. अभी वो इंजीनियरिंग करती बोलती है आपको नहीं डालना उसको, इंजीनियरिंग नहीं कर सीखना, अवकाश नहीं देना उनको, क्योंकि वो लड़की इंजीनियर हुआ तो कौन शादी करेगा उसको. अरे उनको मालूम नहीं था तुंगभद्रा रिवर के उस पार हमारे साजन थे. आप कितने
इस पार रसाजन, उस पार रसाजन। तो इसीलिए किसके मन में नहीं था, हमारे सब पिताजी के सब लोग गाली देते थे, लड़की इंजीनियर होती है असंभव, ऐसा संस्कृत में बोलते हैं ना, असंभव, असाध्य, परंपरा नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन मैंने किया, पहले सेमेस्टर में मुझे फर्स्ट रैंक मिला, बाद में मुझे लगा क्या बात है, अरे इधर कितने पुरुष लोग है इंक्लूडिंग यू, यू शुड एक्सक्यूज मी, वुमेन आर स्मार्टर देन मेन, इसमें कोई शक नहीं है। क्या बात है यार, वाह, बराबर है ना, वुमेन आर ऑलवेज स्मार्ट, खड़े होकर तालियां बजती है, वाह, क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है, वाह, थैंक यू। देखिए तीन वुमेन कैसे हैं, आपकी लड़ाइयों की वजह से हमारे लिए रास्ते बने हैं, वाह। और सेकेंड सेमेस्टर में वो सब मेरे क्लासमेट्स आके बोलते थे, सुधा जी मुझे आपका नोट्स देना, सिविल इंजीनियर में सर्वे का ड्राइंग देना, मैं उनके ऊपर तरस खाती थी और देती थी। नारायण मूर्ति सर के साथ पहली मुलाकात कब हुई फिर? नारायण मूर्ति के एक मित्र थे, उसका नाम प्रसन्न, वो मेरे कॉलीग थे पुणे में। अच्छा जी। और हम बस से जाते थे हर रोज काम के लिए, और हर रोज एक बुक लेते थे, एवरी बुक हैज दिस, नारायण मूर्ति इस्तांबुल, नारायण मूर्ति पेशावर, नारायण मूर्ति पेरिस। मुझे लगा ये नारायण मूर्ति इंटरनेशनल बस कंडक्टर है क्या, कौन है? ऐसा लगता है कि नहीं, हर रोज इनका डेस्टिनेशन अलग है। सो उन्हें हमने पूछा ये नारायण मूर्ति कौन है, वो बता दिया मेरा दोस्त है, वो पेरिस में 3 साल थे, अभी हिचहाइकिंग करके इंडिया आ गए, पेरिस टू पुणे ही टुक ऑलमोस्ट 6 months हिचहाइकिंग। और वो बता दिया वो भी कनाडा बोलते हैं हमारे जैसे। अच्छा जी। और एक बार मिलने को चाहते हैं, मुझे लगा एकदम फिल्म हीरो के सर जैसे हैंडसम और बोल्ड नारायण मूर्ति, डैशिंग इंटरनेशनल बस कंडक्टर आते। व्हेन ही ओपन द डोर मुझे लगा ये कौन है आदमी, छोटा बच्चा। ये बंदा किस कॉलेज का स्टूडेंट है? मैंने बोला ये कौन है, यही नारायण मूर्ति बोलता दिया। दैट इज माय फर्स्ट टाइम मीटिंग विद नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति शादी में कितने किलो थे, अभी उतना किलो ही है, बिकॉज आई एम अ बैड कुक, माय हस्बैंड हैज मेंटेन्ड दी वेट। वाह यार। मैम आपका ह्यूमर कितना अच्छा है, मतलब किसी भी बात में कुछ भी निकाल के, वाह मैम आपकी स्टोरी तो इंस्पायरिंग है ही। मतलब मैं एक बात बताना चाहती हूँ दर्शकों को और आपको भी, मैं ऑथर हूँ ना, अभी ऑथर हूँ, सीरियस नॉवेल लिखना बहुत आसान है, वो मराठी में रड़ा रड़ी बोलते हैं ना, वो आंसू आ गया, ऐसा बोला, झगड़ने का। मोस्ट डिफिकल्ट इज ह्यूमर, ह्यूमरस नॉवेल लिखना, ह्यूमरस आर्टिकल लिखना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ, और आई ऑलवेज रिस्पेक्ट यू बिकॉज यू फाइंड आउट अ ह्यूमर just like this. अरे मैम आशीर्वाद है आपका, it's absolutely an art. हे भगवान की देन है, बिल्कुल बिल्कुल मैम, don't lose it, losing is 1 minute's job, okay? इतना देखे वो ऐसा है, वो negative देखना बहुत easy है, और negative बोल के लेकर हम भी negative हो जाते हैं, लेकिन humor है ना लोगों को जिंदा रखता है, बिल्कुल, keep it up, God's gift to you, thank you मैम, और आपको भी, आपको भी। मैम जैसे बड़े सारे सवाल थे जो हमारे दर्शकों ने मुझे बोला कि सुधा जी से पूछना, नॉर्मल आदमी में कोई प्यार मोहब्बत होता है तो लव लेटर लिखते हैं, आप और नारायण सर इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल, तो आप नॉर्मल लव लेटर लिखते थे कि मोटिवेशनल कोट्स होते थे आपके लव लेटर में? नहीं, नहीं, मैं और नारायण मूर्ति अलग किस्म के लोग है, नारायण मूर्ति कभी हंसते ही नहीं, बहुत सीरियस होते हैं, और इंट्रोवर्ट है, ज्यादा बोलते नहीं, हर रोज 4-5 sentences। अरे नारायण मूर्ति जी है क्या है, आप इतना बोलते ही नहीं, वो बोलते हैं मेरा और तुम्हारा दोनों तुम बोलते हैं, अभी मेरा कुछ भी रखा है बोलने के लिए, ओके? एक बार उनको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर ऐसा अवार्ड मिला, और वो फोटोग्राफर आ गए फोटोशूट के लिए, क्या वो नारायण मूर्ति डजंट स्माइल है, मतलब नारायण मूर्ति को स्माइल करो, मैंने बोला
मरे शादी होके 45 इयर्स हो गए, अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, अभी कुछ ट्राई करेंगे. और वो बहुत गंभीर होते हैं. अच्छा. और हम तो हंसी मजाक के लोग हैं. हम तो कभी भी हंसी मजाक मुझे बहुत पसंद है. मुझे सीरियसनेस और एक होता ही नहीं. आप बेस्ट हो मैम. इसीलिए उन्होंने पूछा आप कैसे शादी किया, कैसे पैर किया. हमने बता दिया बहुत इजी है, फिजिक्स प्रिंसिपल, अपोजिट फोर्स अट्रैक्ट ईच अदर. रवीना टंडन जी बहुत बड़े फैन हैं आपके. हम सुधा मूर्ति जी हम बहुत इंस्पायरिंग हैं. थैंक यू थैंक यू. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. अरे गुनीत मोंगा कपूर जी कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया. एक बार गुनीत मोंगा कपूर जी के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू. नहीं मानना पड़ेगा, 4 महीने पहले शादी हुआ और गुड न्यूज भी ले आई. कौन सी गुड न्यूज? नहीं ऑस्कर. नहीं अरे गलत नहीं, हम ऑस्कर का बात कर रहे हैं. हम बहुत प्राउड हैं आपके लिए. थैंक यू. आपको इत्तफाक का बात बताएं, मिला आपको ऑस्कर? परसों हमको भास्कर मिला. हमारा एक्स बॉयफ्रेंड है. अच्छा. भास्कर. हाँ. और इत्तफाक का बात है उसने शादी भी कर लिया. तो उसकी शादी में तू क्यों इतनी खुश हो रही है? नहीं नहीं इसलिए क्योंकि जिस लड़की से शादी किया वो हमसे भी ज्यादा अजीब है. इतनी ज्यादा अजीब है, उसके 2 दांत के बीच में गैप है. ऐसे तो होता ही है, किसी किसी का होता है. उसके 2 दांतों के बीच में 28 दांतों का गैप है. हमने देखा था परसों अपने पति के साथ बैठ के बर्गर चूस रही थी. खा तो सकती है. मैडम हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं. हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं. अब जैसे आपको ऑस्कर मिला ना, वैसे सेम हमें भी कपड़ा धोने में ऑस्कर मिला. ए, कपड़े धोने में कौन ऑस्कर देता है? नहीं नहीं हम ऐसे राजा मौली जी का कपड़ा धो रहे थे उसमें हमको उनका ऑस्कर मिला. वैसे मिला. अच्छा, वो कपड़ा धोते धोते ऑस्कर मिला. पर हम ईमानदार इंसान, हमने रखा ना, हमने लौटा दिया, उनको वापस दिया हमने. लेकिन उसके बाद आपके वो रॉकी भाई है ना, रॉकी भाई वो KGF वाले, उनका हम कपड़ा धो रहे थे, उनके कपड़े में से 2000 रुपए का नोट मिला. वो भी लौटा दिया? नहीं वो नहीं लौटा. क्यों? ऑस्कर के ऊपर SS राजामौली जी का नाम लिखा था, इसके लिए हमको लौटाना पड़ा. अब 2000 रुपए के नोट में गांधी जी का फोटो था. गांधी जी तो सबके है ना. सुधा जी कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है एकदम. आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू थैंक यू. इतनी बड़ी आपने अपने पति के साथ मिलकर अपनी कंपनी को जो ऊंचाइयों तक पहुंचाया है ना, हम भी चाहते हैं हम अपनी कंपनी को भी उतनी ही ऊंचाई तक लेके जाए. बस हमको ना उसकी थोड़ी सी कमी है. पैसे की? नहीं नहीं पति की. तो ये क्या इशारा हुआ पति का? अरे हमको पति भी पैसे वाला ही चाहिए. अच्छा. जीवन में अगर पैसा है तो सब कुछ है, वरना कुछ ना. अरे नहीं गुड़िया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है. अच्छा ऐसी बात नहीं है? बिल्कुल नहीं है. शर्मा जी एक मिनट. शर्मा जी ये आपका बटवा है. हाँ. आपका पैसा है, हम रख रहे हैं. ये क्या कर रही है? मेरे को दे दो वापस. देखा आपने, ज्ञान सब देते हैं, पैसा कोई नहीं देता. रख लीजिए शर्मा जी, वैसे भी आपका ये बटवा हमको नहीं चाहिए. रखिए. तो ये भी रख. मैं क्या करूंगा बटवे, पैसे सारे निकाल लिए तूने. पैसे पे तो गांधी जी सबके हैं. सच में लेकिन पैसा कोई नहीं देता है मैम. को 2 दिन पहले एक आदमी का हमने कपड़ा धोया, उसने हमको पैसा नहीं दिया, उल्टा हमसे लड़ने लगा वो. क्यों? जब कपड़ा धोया तो वो कपड़े के अंदर था ना. तो ऐसे कौन धोता है कपड़े? क्यों धोया तूने? अरे गलती उसका है. ए, सड़क पे खड़ा होके एक अनजान लड़की को प्रपोज कर रहा था. तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे तो हम भी तो खड़े थे वहां पे. हमको ना ही प्रपोज कर रहा है. रवीना जी तू चीज बड़ी है मस्त. तू चीज बड़ी है मस्त. बहुत इंस्पायर हुआ है लाइफ में आपसे. सच बता रहे हैं आपसे इतना इंस्पायर हुआ है कि अभी परसों ही हमने माचिस से आग बुझाई. माचिस से आग कौन बुझाता है? ये टिप टिप बरसा पानी में, पानी में आग लगा सकती है. हम माचिस से आग बुझा नहीं सकते. लॉजिक है कि नहीं मैम? गुड़िया तू करने क्या आई यहाँ पे?
हम रवीना जी से मिलना चाह रहे थे। रवीना जी आपको पद्मश्री मिला ना जी? हमको एक श्री नहीं मिल रहा है जो हमको अपनी श्रीमती बना ले। बहुत अकेले हैं हम, इतना ज्यादा अकेले हैं कि हमारे रिमोट में भी सिर्फ एक सेल है, वहां भी जोड़ी नहीं है। इतना ज्यादा अकेले हैं कि बाथरूम के बाहर हम तौलिया लेके खड़े रहते हैं तो हमें कोई अंदर नहीं खींचता। हम चाहते क्या है लाइफ में? बस ये चाहते हैं कि किचन में हम अपना खाना बना रहे हो तो पीछे से आके हमें कोई हक करे और हमारा पेड़ा गिर जाए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन शर्मा जी मैम हमको पूरा यकीन है एक दिन ना हमारे सपनों का राजकुमार घोड़े पे बैठ के आएगा और हमें घोड़े पे बैठा के साथ में ले जाएगा। राजकुमार तो तैयार है, घोड़ा नहीं मान रहा तुझे बिठाने को। तो शर्मा जी आप एक काम कीजिए, हमको ना खाली राजकुमार का फोन नंबर दिला दीजिए, हम उससे कह देंगे कि मेट्रो से आ जा भाई और आ जा। अर्चना जी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने क्या किया है? नहीं नहीं खाली बता रहा है, ये मत सोचिए कि तीन एकदम टैलेंटेड लेडीज आई हैं तो हम आपको छोड़ के इनके हो जाएंगे, नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताएं, दास दादा है ना, दास दादा ये आपको छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज ये मठ जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे आपको यहाँ छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है मैम कि हमारा रिश्ता होना इम्पॉसिबल है, हो जाएगा। हमारे मम्मी पापा राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट गए हुए हैं हमारा रिश्ते का बात करने के लिए। अच्छा, आपको जान के खुशी होगा कि लड़का भी ऐसा वैसा नहीं, बड़ा नेक लड़का है। वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं ना उनको बाहर निकालता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में? नहीं नहीं नहीं, वो पेस्ट कंट्रोल में है। मैम वो इलीगली चूहा और कॉकरोच नहीं घुस जाता है घर के अंदर, उनको वो बाहर निकालता है। और तो क्या कितना अच्छा होगा, उससे हमारा शादी हो जाएगा, वो पेस्ट कंट्रोल करेगा और उस पर हम अपना बेस्ट कंट्रोल करेंगे। पूरा साफ सफाई का सारा जिम्मेदारी भी उसका, पेस्ट कंट्रोल वाला है, घर साफ रखेगा, हमें कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। ये हमारा फोन वाइब्रेशन मोड पे है, बज रहा है। एक मिनट, मम्मी पापा का फोन आया, बात कर ले, शायद रिश्ता हमारा पक्का हो गया है। हेलो मम्मी। हाँ रिश्ता पक्का ना बोल रहे हैं? क्यों? कहते हैं वजन ज्यादा है। उनको जरा फोन दीजिए। मच्छर मारने का काम करते हैं आप, और लाइफ में आपको रवीना टंडन चाहिए। आया बड़ा अनिल थडानी। हमारा एक बात सुनिए बाप। शादी कैंसिल हो गया है हमारा। कोई बात नहीं, इतना देख के सबको कितना दुख हो रहा है। कर लो फिर, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे एक स्वयंवर रखेंगे। चलिए चलते हैं, आपसे मुलाकात हुआ, बाय। बस करे ऊपर वाला बादशाह बड़ो, ऊपर वाला बादशाह। गुनीत जी मेरा बच्चा है तू। रवीना जी मेरा बच्चा है तू। सुधा जी आपका बच्चा हूँ मैं। कपिल। यस दादा। मेरा बच्चा है तू। यस दादा। अर्चना जी मेरा बच्चा है। नहीं पूछ रहा हूँ मेरा बच्चा है कि घटक गई। खैर बिड़ू लोग मेरे लिए ताली मत बजाओ बिड़ू, इन लोग के लिए बजाओ, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए ले बिड़ू, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, जोरदार ताली हो जाए। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज अ वुमन। वुमन मतलब औरत, औरत मतलब लेडी, लेडी मतलब फीमेल। हाँ दादा समझ गया। अरे औरतों को आज तक कोई नहीं समझ गया, तू क्या समझ गया?
समझ गया क्या रहता है। खैर औरत जो है देवी का रूप है बड़ो। मैं आई एम सॉरी बड़ो, मैं औरत लोग का नाम आता है मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। मैं अर्चना जी टिश्यू पेपर है क्या आपके पास? प्रोडक्शन का सारा माल लेके बैठी रहती है। माल है बड़ो, मजा आ गया बड़ो बहुत। मैं गुनीत जी आपको बता नहीं सकता, मैं औरत का मेरी लाइफ में बहुत महत्व है जी। मैंने 20 साल 25 साल काम किया इंडस्ट्री में। मैं आज एक दो बातें बताना चाहता हूँ जो लोगों को पता ही नहीं है। मेरे को जिसने पैदा किया वो एक औरत थी। कितनी बड़ी बात है आंटी। आप सॉरी मैं आपको आंटी बुला सकता हूँ? आंटी बुला, आपको मैम बुलाऊ? मैं कुछ भी बोल। चलो ना आपका ना मेरा आंटी मैम। जबकि एक और चीज गुनीत जी मैं बताऊं आपको, किसी को नहीं मालूम क्या, मैंने जिससे शादी किया वो भी एक औरत है। कितनी बड़ी बात है दादा, सब औरत से ही शादी करते हैं। नहीं, रवीना जी ने मर्द से किया, पूछो। और जहां तक मेरा ख्याल है आंटी, अर्चना जी ने भी मर्द से ही शादी किया। मैं आपको बताऊं, मेरे को जो राखी बांधती थी वो भी एक औरत थी। और रवीना जी आप पिछले एपिसोड में आते ना तो ये भी औरत ही थी। क्या बात है बड़ू, वो औरत इधर अब आती रहेगी, आना चाहिए कि नहीं उसको? yes! बड़ू है रवीना जी, द ड्राइविंग सिंह रवीना टंडन, क्या लग रही हैं आप बड़ू, क्या बात है। खैर अपना मजाक चलता रहता बड़ू। हाँ। बहुत काम किया अपुन ने। और मैं तो रवीना जी को कितने टाइम से जानता हूँ। मैं बड़ू रवीना जी को तब से जानता हूँ बड़ू। मैं पहला पिक्चर देखा था इनका फूल के पत्थर। अरे दादा पत्थर के फूल। हाँ तो क्या हुआ, पत्थर फूल इधर उधर हो गया तो हीरोइन तो यही थी ना यार, क्या बात करता है। खैर आज मेरे को इतनी खुशी हुई है। मेरे को इतनी खुशी हुई ले रवीना जी, गुनीत जी और शादीशुदा जी भी आए ले हैं। अरे दादा वो सुधा जी हैं। अरे तो मैं आप शादीशुदा है ना मैम? मैम आप आशीर्वाद दो मेरे को, मैं सच्ची God बोलता हूँ। गॉड ब्लेस यू, ओके थैंक यू। मैम आप कर्नाटक से है ना मैडम? मेरे को उधर का एक सिटी बहुत पसंद है। कौन सी? सिंपली सिटी। नहीं ये वाकई में, ये भले अपन ने जोक लिखेला था लेकिन इनकी सिंपली सिटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती से बड़ो। कपिल हाँ मैंने उधर देखा बड़ो। मैडम उधर साउथ के लोग इतने सिंपल होते हैं। हाँ। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ये लोग जमीन पर रहते हैं और नारियल को पेड़ पे रखते। बल्कि लोग पेड़ पे रह के नारियल को जमीन पे रख सकते हैं लेकिन नहीं। दादा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता है ना उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। और आप क्या बात कर रहे हो बड़ू? मैडम आपने एम्पायर खड़ा किया है? ओ लेकिन उसको तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? ना वो कभी बैटिंग कर सकता है ना वो कभी बॉलिंग कर सकता है। वो एम्पायर तो हमेशा ऐसे खड़ा रहता है वो। ऐसा ऐसा बड़ू। दादा क्या बड़ू? अरे मैच के एम्पायर की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। बिजनेस एम्पायर? हाँ। उधर आप लोग क्रिकेट कैसे खेलते हैं मैडम? दादा क्रिकेट की बात क्यों कर रहे हो आप? आजकल सब क्रिकेट की तो बात कर रहे हैं, आईपीएल चल रहा है मैडम। वही मैं बोला मैडम। गुनीत मोंगा कपूर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए मैडम। थैंक यू मैम। जी मैं आपको एक बात बताऊं जी, ये जो कपूर खानदान है फिल्म लाइन वाला कजन, हाँ जी हाँ, उससे मेरा बहुत पुराना नाता है। अच्छा क्या कैसे? जब मेरे घर पे पानी नहीं आता था ना हाँ,
मैं उन लोग के घर पे जाके नहाता था। समझा नहीं मैंने क्या बोला? मैं मेरा उधर बहुत पुराना नहाता है, मैं उधर बहुत पहले से नहाता है। दादा इस बार झाड़ नहीं लेके आए, आप बोल रहे थे झाड़ लेके आते थे हर बार। अरे नहीं, झाड़ नहीं लगाने का बेड़ो। अरे क्या बात कर रहे? नहीं नहीं, पहले मैं बोलता था झाड़ नहीं लगाने का। पर क्यों? क्योंकि मेरी वजह से इंडिया का पॉपुलेशन नंबर वन पे पहुंच चुका है। कैसे? अरे मैं झाड़ लगा के निकल जाता था, फिर झाड़ की आड़ में ताड़ फाड़ करके पॉपुलेशन बढ़ गया। खैर मैडम, क्या बात है, मैडम को ऑस्कर मिला, बड़ू जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। मैम आप बेन पैट्रिक को जानते हैं? बेन नहीं जानती हो? नहीं नहीं, मैं भी नहीं जानता। देखो कितना वेवलेंथ मैच करता है हम लोग का, सोच सेम है हम लोग की। देखना एक दिन मेरे को भी ऑस्कर मिलेगा, देखना। मैं सच्ची बोलता हूँ बड़ू। अच्छा मैम, मेरा एक रिक्वेस्ट था आपसे। जी जी। ये जो ऑस्कर है, इससे आप एक बार बात करो। हाँ। बात करो, वो कोई ना कोई आपको अपना प्रॉब्लम बताएगा। ये क्यों क्यों, मतलब ट्रॉफी से क्यों बात करेंगी? अब तूने ऑस्कर का ट्रॉफी देखे ला? हाँ। टेंशन में रहता है। वो टेंशन में रहता है बेड़ो, अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ बोले ला उसको। आप मैम अगर उससे बात करेंगे ना बेड़ो, तो कुछ ना कुछ दिल की बात वो हाथ खोल के बोलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। दादा ट्रॉफी कहाँ बात करती है? जब मूर्ति जी बात कर सकते हैं तो ट्रॉफी जी का नहीं बात कर सकते बेड़ो। आंटी मैम, आंटी मैम, मैं अपना लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया मैम। हाँ। ऐसा नहीं मैं इधर तक पहुंचे ला, बहुत मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैं आपको अपना स्ट्रगल का कहानी बताना चाहते हैं मैम। मैं पहली बार जब मुंबई में आया मैम, मेरे पास कुछ कपड़ा उपड़ा ज्यादा था नहीं, माँ ने कुछ गहने दिए थे। मैं सर रोड पे सो रहा था, एक ही लेडी ने मेरा मदद किया। कौन? ये अर्चना। अर्चना ये मेरे पास आई, इन्होंने मेरे को खाना खिलाया। मैं जैसे सुबह उठा, मेरे कपड़े और माँ के गहने गायब। मेरे को लगा चोरी हो गई है। हाँ। लेकिन नहीं, ये पहन के घूम रही थी अगले दिन। आंटी अच्छा लगा आपको? मजा आया आपको? सच्ची। अरे आप लोग आए, हमको ज्यादा मजा आया, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू कप्पू, मैं जाता हूँ। बाय बाय, लव यू गुडू। अच्छा मैम, आप तीनों अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में बड़ी सफल हैं, और कई की बार ऐसा होता ना कि जब बीवी भी काम कर रही हो, हस्बैंड भी काम कर रहा हो, तो दोनों की एक दूसरे की शायद कभी ना कभी शिकायत रहती है कि तुम मुझे वक्त नहीं देते, तो ये आपके साथ भी ऐसा होता है? शायद नहीं, क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ, नारायण मूर्ति उतना ही है। लेकिन एक बात बताना मैं चाहती हूँ, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग मैन। यू नो, मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैम ने कहा कि हम तीनों जो अकम्पलिश सक्सेसफुल विमेन आज तीनों आपके साथ, एंड स्पेशली गुनीत जी इज ऑल्सो सो फुल ऑफ स्पंक। तो जब इन्होंने कहा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देर इज एन अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड, मैं उसी समय यही सोच रही थी कि ऑल थ्री ऑफ अस जब हमने अपने लाइफ के बारे में बात की है, वी ऑलवेज मैंशनड आर फादर्स, बट आई ऑलवेज से दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल एंड करेजस ब्रेव डॉटर इज अ बिसॉटेड फादर। क्या बात। एंड आर्ची, यू नो आई जस्ट लॉस्ट माई डैड रिसेंटली, एंड उसके बाद फर्स्ट एक्चुअली फरवरी में पापा का देहांत हुआ, और फरवरी के एंड में ही मुझे मेरा फर्स्ट अवार्ड जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला। उसके बाद लगातार हर महीना मैं कहीं ना कहीं गई हूँ एक अवार्ड कलेक्ट करने के लिए, एंड आई ऑलवेज सेड आई पापा विल ऑलवेज बी देयर विद मी। और मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि ऑलवेज अभी भी डिजाइनर ने कहा, मैम दिस वॉच डज नॉट गो विथ योर साड़ी एंड डज नॉट गो विथ योर ड्रेस। आई सेड बट दीज हैंड्स विल बी पापाज हैंड्स व्हेन दे रिसीव द अवार्ड बिकॉज ही मेड मी व्हाट आई एम। सो इवन ड्यूरिंग द पद्मश्री यू मस्ट हैव सीन दिस, दिस इज ऑलवेज देयर विद मी व्हेन एवर आई डू समथिंग स्पेशल बिकॉज आई नो पापा इज ऑलवेज देयर विद मी। सुधा जी, आपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, इतनी किताबें आपने लिखी हैं, फिल्में कभी देखी हैं आपने?
फिल्मों में किसकी फैन रही हैं आप? बहुत फिल्म देखती हूँ, बहुत। मेरी भी फिल्म। अच्छा जी। हाँ बहुत। एक बार पुणे में मैं थी, उस समय कोई बैठ लिया, अरे हर रोज एक सिनेमा देख सकती है क्या? हमने बताया उसमें क्या है, देखती हूँ। चलो बैठ। 365 डेज में 365 मूवी देखा। एंड आपको यकीन नहीं होगा, इनको फिल्म ट्रिविया भी याद है। अच्छा। पहली दफे जब मैं इनको मिली, इन्होंने कहा मुझे मालूम है तुम्हारा नाम रवीना क्यों है। तो इनको फिल्म ट्रिविया भी बहुत अच्छी तरह इनको सब याद रहता है। हमने बताया रवीना टंडन का नाम इज रवि टंडन एंड वीणा टंडन, दैट बिकम्स रवीना। ओके, इट्स अमेजिंग। आई रेड दिस व्हेन शी वाज बोर्न। कैन यू इमेजिन? To see how is that आपका mind तो computer से भी ज़्यादा चलता है। It's amazing, touch wood. बहुत साल नारायण मूर्ति के साथ रहने से computer भी आ जाता है ऐसा। You भी computer हो जाते हैं। और मैं कभी यंग थी उस समय, मेरा हीरो दिलीप कुमार साहब थे। हाय हाय, क्या बात है। उनका लाजवाब है। और नेक्स्ट टू हिम लाइक दिलीप कुमार, हु कैन एक्ट दैट काइंड ऑफ इमोशनल इज शाहरुख खान। शाहरुख खान, आई सेड ओके, ओनली ही कैन डू दैट। बिकॉज व्हेन आई सॉ वीर सारा, आई टोल्ड माय डॉटर अक्षता, इफ दिलीप कुमार वुड हैव बीन यंग, ही वुड हैव डन वीर सारा, नाउ शाहरुख खान इज टेकिंग दैट प्लेस एंड ओनली ही कैन एक्ट इन दैट। फैंटास्टिक। एंड व्हेन आई सॉ बजरंगी भाईजान, आई सेड द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड, only Salman can Khan can bring it on the screen. And he is fit to do Bajrangi Bhaijaan. Wow. Sudha ma'am, aap to social media pe hai nahi. Hum log na, hamare show mein ek segment hota hai, hum jaise Raveena ji ya Guneet ji apne fans ke liye jo photographs dalte hai na, to uske niche log comments bade mazedar karte hain. To wo hum log apne show mein shamil karte hain. Main aapko kuch pictures dikhana chahta hun ji, dikhaiye. Raveena ji ne photo dala hai, when you wake up after 5 am pack up shoot and realize that now Sunday is the day to clean up your week's mess. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। एक खतरनाक वाले में डालना। इतनी बोतलें तो वाइन शॉप पे भी नहीं होती जितनी आपके ड्रेसिंग टेबल पे हैं। फोन इन्होंने फेस आईडी से लॉक किया था, अब बिना मेकअप के खुल नहीं रहा। जब आंख खुलते ही मेड का मैसेज आए, मैं आज काम पे नहीं आएगी। मैडम जितने परफ्यूम आपके पास हैं, अगर आप इन्हें बेच दो तो एक छोटी फिल्म तो प्रोड्यूस कर ही सकती हो। और दिखाइए, गुनीत ने फोटो डाला है, वंस अपॉन अ टाइम इन न्यूयॉर्क, मेरी मंजिल तू। ओहो, ये शादी के बाद वाला फोटो है। हाँ, वेरी नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लड़कियां पहले तो अपना पर्स, छाता, बैग सब पति को पकड़ा देती है, फिर कहती है तुम मेरा हाथ पकड़ के क्यों नहीं चलते। शादी से पहले मेरे पति ने भी मुझे विदेश घुमाने का वादा किया था, आज तक रतलाम से बाहर नहीं लेकर गया। अगर ये तस्वीर शादी से पहले की होती तो दोनों एक ही छतरी के नीचे होते। वाह, बड़ा नोट करते हैं भाई। और दिखाइए, मैं भी पूरा छाता वाइफ के ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि ठंड लगने के बाद वो मेरे ही मुंह पे छींकती है। और दिखाइए, रवीना जी ने फोटो डाला, विद माय फेवरेट बॉयज। आइए देखते नीचे कमेंट्स। ये वही लड़कियां होती हैं जिनके हैवान जैसे भाई होते हैं और कॉलेज में सब लड़के इनसे डरते हैं। ये सारे जैसे भाई जैसे हैं। सेल्फी लेते समय सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करें तो फोटो लेने वाले का मुंह बड़ा नहीं आता। एमू के फोन में लिया था ये। कॉलेज में जब सबकी क्रश सेम हो तो ऐसे ही मारपिटाई होती है। और दिखाइए, सब दो का इशारा कर रहे हैं, सनी पाजी को समझ नहीं आ रहा वो अपना ढाई कैसे दिखाए। और दिखाइए, लो जी एक पूरा ऐसे लिखा है गुनीत जी ने, आइए पढ़ते हैं। वन ऑफ दोज डेज व्हेन ऑर्डरिंग कॉफी बिकेम ए मैसिव टास्क, सो मच इंग्लिश। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। दरवाजे पे तो ताला लगाना सुना था, खिड़की पे कौन ताला लगाता है। हाँ एक्चुअली गुनीत, ये किसके आगे बैठी हुई है आप? ये खिड़की है, ये एक रेस्टोरेंट है बैंड्रा में। अच्छा। सबको कॉफी। वाकई में दरवाजा तो नहीं लग रहा। क्या उसकी खिड़की थी। और दिखाइए कमेंट्स। गुनीत मैम, मैं भी चॉइसेस के कारण कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे राहुल का सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है, आशीष दिखने में अच्छा है, मैं किसे चूज करूँ? किसने रिप्लाई किया है, जिसकी भी सरकारी नौकरी हो। और दिखाइए, रवीना जी ने फोटो डाला है, हे बर्ड वेयर इज द फायर,
ये कहाँ की फोटो रवीना जी? ये मेरे एक दोस्त है, उनके गाड़ियों का कलेक्शन है, तो ये उनके घर के बाहर पार्क्ड है गाड़ी, जो मेरे को से फायर ब्रिगेड जैसे लगती है ना, रीपेंट और मॉडिफाई किया है। अच्छा आ जाओ दिखाइए, नीचे कमेंट्स दिखाइए। मैम आप पुष्पा देखो, फायर उसमें है। किसे लिखा है? वाओ खली की कार। ये शुरू से कार थी या बस की बॉडी हटा के सोफा लगाया है? ऐसा ही लग रहा है। एक ही कपड़े का पैंट शर्ट बनवाया है, लगता है कपड़ा ज्यादा खरीद लिया था। और दिखाइए आगे। ओह गुनीत ने फोटो डाला, ये गेट यू अ हस्बैंड दैट विल ड्रेस यू एज वेल एज फॉर माय मेहंदी एंड हल्दी। ओह नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जब नया लहंगा पहना हो तो लड़कियां हर दो मिनट में घूम घूम के दिखाती हैं, चाहे चक्कर आके गिर जाए। मेरी बीवी ने भी ऐसा किया था, खुद 1 लाख का लहंगा खरीदा, मुझे 2000 का कुर्ता पहना दिया था। इनके हाथ में ग्लास है फिर भी ये नॉर्मली डांस कर रही है। लड़कों के हाथ में ग्लास आ जाए तो वो नागिन डांस करने लगते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। और दिखाइए, जिन पतियों को डांस नहीं आता वो फिर अपनी पत्नी के डांस में बस पीछे खड़े होकर ताली ही बजाते रहते हैं। मेरे पति अच्छा गाना गाते हैं, नाच में लेती हूँ। और दिखाइए, खत्म, धन्यवाद। हमारी इंडस्ट्री में ना सुधा मैम, बड़े बड़े सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कभी कभी बोलते हैं कि हम जब इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो हम सिर्फ 50 रुपए लेके आए थे, लेकिन गुनीत के बारे में हमने सुना कि जब ये आई थी 50 लाख रुपए लेके आई थी। हाँ। तो आपने अपनी सेविंग थी या किसी की किट्टी उठा के भागी थी आप? मतलब मेरे ना नेबर थे, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, हम लोग रेंट पे रहते थे और एक्चुअली नीचे वाले जो घर थे उन्होंने अपना घर खरीदा हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमें एक स्टूडियो खोलना है जहाँ बच्चों की फोटोएं खींचेंगे। अच्छा। और तुमने मास कम्युनिकेशन पढ़ा तो तू चला ले। मैं लो हो, ये तो बड़ा बुरा आइडिया है। तो मैं, आप कितने पैसे खर्चना चाहते हो अपने स्टूडियो में? तो कहते 50 लाख। मैं, मुझे दे दो, मैं बॉम्बे जाके पिक्चर बनाऊंगी। अच्छा। मान गए। अब करूं क्या मैं, यहाँ आकर मॉल में फूड कोर्ट में लोगों से पूछती थी किसी के पास कहानी है, मेरे पास 50 लाख है। This is a reverse of what usually happens. हाँ। You have the money. फिर मैंने बहुत सारी कहानियां ढूंढी और फिर मैं, हमने अपनी पहली फिल्म बनाई से सलाम इंडिया। Wow. सुभाष कपूर के साथ। क्या बात है। ये देखो पीछे की कहानियां कितनी इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे रवीना जी को आपने देखा पत्थर के फूल में, पहली फिल्म से जो इन्होंने डेब्यू किया, पहली फिल्म में सिक्सर मारा इन्होंने, ऐसा छा गई। लेकिन हमने ऐसा सुना की इस फिल्म का जो इनकी कास्टिंग हुई ना, ये कॉलेज में थी और कॉलेज की कैंटीन में कोई इनसे मिला और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें फिल्म में लेना चाहता हूँ। आपको यकीन हो गया था? ये क्या किस्सा है रवीना जी, सही है ये बात? हाँ ये सही है, लेकिन कॉलेज की कैंटीन में नहीं था। अच्छा। तो विवेक वासवानी अभी भी वही कहानी सबको सुनाते हैं, कहते हैं कि जब मैं बैठा हुआ था और अनंत के साथ डिसाइड कर रहा था कि कौन सी हीरोइन किसको साइन किया जाए, सलमान की सेकंड फिल्म थी। अच्छा। आप मैंने प्यार किया, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर। तो अनंत ने मुझे देखा और विवेक को बोला, विवेक मेरी किरण वहां बैठी है। तो विवेक ने कहा कौन कौन? तो देखा तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और विवेक आए मेरे पास। तो आनंद ने कहा विवेक तू जाके उनसे बात कर। बोला मरवाएगा, मार खाएगा, सब लड़कियां सैंडल उठा के पीटेंगी, मैं जाके पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या, नंबर दो। तो एनीवे विवेक ने थोड़ा बहुत अपना हिम्मत जुटाकर वो आए मेरे पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक्सक्यूज मी, यू नो कैन आई नो योर नेम? सो पहले तो मैंने पूछा वाय। तो बोले नो यू नो आई सेड एनीवे विवेक रिलैक्स, मैं राजीव की बहन हूँ। तो फिर उन्होंने कहा माय गॉड योर रवि जी इज डॉटर, आई सेड या। तो फिर ऐसे कांटेक्ट हुआ, तो वो लिटरली जैसे लिखा होता है और देन यू कैन एस्केप इट वाली बात है। तो 5 दिन बाद आई वाज फेसिंग द कैमरा, एग्जैक्टली 5 डेज लेटर। दैट्स ऑसम। इसलिए यू नो कपिल एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आई थिंक उस टाइम पे हम लोग इवॉल्व हुए एज एक्टर्स। आजकल जो नया जनरेशन है एक्टर्स का, वो पूरे ट्रेन पूरे ग्रूमिंग के साथ आते हैं, जो हमने स्ट्रगल कर करके अपनी 25वीं फिल्म में परफॉर्मेंस दी होगी, उन लोग आज अपनी 5वीं फिल्म में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वी टुक टाइम टू इवॉल्व, ये सीखा। टेरिबल परफॉर्मेंसेस व्हेन यू लुक बैक एट इट, सो व्हाई? अरे बाप रे। और मेरे वो, प्लीज वो फोटो दिखाना नहीं, वो ऐसे मतलब अंदाज अपना अपना में ऐसे घुंघराले पर्म वाले बाल, मैंने कहा है मैं क्या सोच रही थी, मैंने क्या क्यों बनाए वैसे बाल। तो यू नो ये सब चीजें बाद में सोचते हैं कि यार इंप्रूव करना चाहिए। किसी को लगता है कि यार अपनी पुरानी फोटो देखो ना, कोई भी देखे चाहे कोई लड़का कोई लड़की कोई भी, अपनी पुरानी फोटो देख के यही बोलते हो अगर ऐसी बेइज्जती करके ये सब मिलना है तो एक दो और करो। देन तो कपिल यू ओ मी अ मिलियन किसेस,
तू हर सैटरडे संडे कितने सालों से मेरी बेइज्जती करता है ऐसे? मैं प्यार करता हूँ आपको, तीनों से मेरा ही सवाल है मैम। आपको अपनी पहली सैलरी याद है? हाँ। आपकी क्या थी पहली सैलरी? 500 rupees. अच्छा। हाँ, एक ऐड था। अच्छा। एंड जब भी हम लोग सुबह स्कूल के लिए उठते थे तो मम्मी ऑलवेज रेडियो ऑन करती थी, तो हम बड़े हुए लिटरली जब तैयार होते थे स्कूल के लिए वो गाने चलते रहते थे, सब 70s 80s यू नो के गाने। तो मैंने सोचा था वो मम्मी का टेप रिकॉर्डर थोड़ा पुराना हो गया था, तो जो 500 rupees मिले वो जाके मैंने उनके लिए एक सिंगल कैसेट प्लेयर और रेडियो खरीदा था। माई फर्स्ट अर्निंग्स। सुधा मैम, आपकी पहली सैलरी कितनी थी? In 1974, 1500. Actually, my father was a professor and he was a doctor. हमारे पिताजी का सैलरी 500 था, 600 था। मेरा 1500, नारायण मूर्ति का 1000 था। अच्छा। Okay. तो उस जमाने में very high salary, started तो very high। Wow. और गुनीत, आपकी पहली सैलरी? 50 lakh के साथ आई थी यार। वो तो चलो किसी से लिया था ना। मैंने बहुत कुछ किया, कभी मैं डीजे बन गई थी, फिर एक अनाउंसर बन गई थी, फिर मैंने सड़कों पर चीज बेची, तो मुझे अलग अलग ऐसे जगहों पर मिला, कभी कहीं 10,000, कहीं ऐसे मैं डीजे भी करती थी और लेडीज डीजे का ज्यादा पैसा मिलता था। अच्छा। तो ऐसे 400 rupees पर आवर का चीज भी बेचती थी सड़कों पर टेंट लगाकर। लेकिन फिल्म प्रोडक्शन में मैंने पैन ननल के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स में थी, तो उसमें 5,000 rupees महीना था। तो इंटर्नशिप, मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप। कपिल, तेरी पहली सैलरी क्या थी? मेरी 500 rupees थी। हाँ? हाँ, मैं पार्ट टाइम पीसीओ नहीं होते थे उस समय, आजकल तो नहीं होते। हाँ? ये टेलीफोन बूथ। हाँ? उस पे मैं काम करता था। हाँ? तो मैंने पैसे जोड़ के, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने म्यूजिक सिस्टम ही लिया था। तो वो कैसेट वाला आता था ना, कैसेट प्लेयर। तो मेरे को शौक था, तो मेरे को था कि मैं डैडी को नहीं बोलना, खुद ही लेता हूँ। तो मैंने पहली बार वो खरीदा था, और भी एक दो चीजें की थी, मम्मी को याद है। तो दोस्तों, आज जो तीन हस्तियां हमारे साथ बैठी हैं, कि आज बड़ा खास एपिसोड है, क्योंकि आज मदर्स डे भी है। मैं आप सबके विचार जानना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, हमारी जिंदगी में दो माएं होती हैं, एक आपकी माँ, दूसरी आपके बच्चों की माँ, यानी आपकी पत्नी। कभी कभी आदमी इन दोनों माओं के बीच फंस जाता है। उस समय उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? आप अपने अपने विचार जो है, जो ज्ञान है, वो आप बांट सकते हैं। सबसे पहले कौन हाथ खड़ा कर रहा है? जी भाई साहब, माइक दे दीजिए इनको। हेलो कपिल सर। हेलो एवरीवन। मेरी वाइफ को है ना, मम्मी से पहले कुछ भी काम करना रहता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं ट्रेन में हम जा रहे थे, तो पहले मेरी वाइफ ने बोला आप मुझे चढ़ाओ, तो उसको चढ़ाया, सामान चढ़ाया, तो मम्मी रह गई पीछे। तब भी बहुत मम्मी गुस्सा हुई थी। और एक बार ऐसा हुआ था कि आप पहले मम्मी को चढ़ाया करो, बीवी को तो कोई ना कोई चढ़ा ही देगा। अच्छा, फिर एक बार ऐसा हुआ था कि तो जब भी मेरी वाइफ खाना बनाती है तो मम्मी बोलती है कि इसमें नमक कम है, तो मम्मी को बोलता हूँ कि आप डाल दो ना नमक, कोई बात नहीं। और वाइफ को भी ऐसे बोल देता हूँ मेरे लिए ठीक है। और जैसे घर का कोई लिस्ट बनाना होता है तो मेरी वाइफ लिस्ट बनाती है, तो मम्मी बोलती है कि ये चीज लेनी है, तो मेरी वाइफ है ना वो लिस्ट में से मम्मी की सारी चीजें काट देती है। फिर सामान लेके आता हूँ, फिर मम्मी गुस्सा होके बोलती है मेरी कोई चीज नहीं आई, तो फिर वापिस जाता हूँ, फिर वापिस सामान लेके वापिस आना रहता है। वाह, बड़ी मजेदार कहानी है आपकी। आप अलिफ लाला में भी आते रहे पहले? नहीं। अच्छा, मैं वैसे लगा मेरे को। मेरी वाइफ भी साथ है। अच्छा, नमस्ते जी, कैसी है? मम्मी को लाए साथ में? नहीं, मम्मी साथ में। आपने काटा लिस्ट में से उनको? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जिनको अपने, जी भाई साहब, माइक दे दीजिए उनको। जी जी सर। हेलो एवरीवन, मैं एलपी श्रीवास, मोटरमैन हूँ सर, लोकल ट्रेन चलाता हूँ वेस्टर्न रेलवे में। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा सर, क्या है, जब शादी हुई हमारी भी, तो मैनेज करने का एक रास्ता निकाला सबसे पहले। क्या? कि ससुराल वाले कितने भी नालायक हों, लेकिन वाइफ के सामने उनकी बुराई मत करो। अगर वाइफ बुराई कर रही तब भी उसमें सहमति नहीं दे, चुप रहना है। अगर वो बोल रही है मेरे भाई ने कुछ किया, तो चुप रहना, इतना बढ़िया मैनेज किया। इसके बाद मम्मी और सिस्टर कितना ही अच्छा खाना बनाती हो, वाइफ के सामने उसकी बड़ाई नहीं करती। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं, कि मेरी मम्मी इतना अच्छा बना लेती, मेरी सिस्टर इतना बना लेती है। वाइफ कितना ही खराब बना रही हो, चाहे दाल पतली हो, सब्जी खराब हो, बोले अरे वेरी टेस्टी यार, डार्लिंग कितना अच्छा बनाती हो। अगर कोई ससुराल से आ रहा हो तो मम्मी को, मम्मी क्या क्रेजी टाइप की ओल्ड है,
तो वे नाराज हो जाएंगी, सोफे पे बैठ गए, ऊधम कर रहे। तो क्या किया मम्मी को, जैसे ही पता चला ससुराल से बच्चे लोग आ रहे हैं, मम्मी को मामा के छोड़ देने का। बढ़िया मैनेज हो रहा सर, 28 साल हो गए, बड़ी शांति से जिंदगी निकल रही है। और ड्यूटी से कभी लेट होना, जैसे 8 बजे फ्री हो रहा तो बोल देना का मेरी 10 बजे ड्यूटी फिनिश हो रही, तो वो फोन भी नहीं करती है। थैंक यू वेरी मच सर। आप तो मम्मी को मामा के घर छोड़ देते हो, आपके पास ट्रेन है, हम कहाँ जाएं? पर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने झूठ बोलना सिखाया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रवीना जी, सुधा जी और गुनीत जी के लिए। आइए मैम प्लीज। रवीना मैम, सुधा जी, गुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए। थैंक यू। और आपसे बहुत बार मुलाकात हुई है, गुनीत जी से मुलाकात होती रहती है, आपसे आज पहली बार मुलाकात हुई है, और इतने मजेदार किस्से और क्या ह्यूमर है आपका। मैम आपके लिए कुछ लाई है। थैंक यू मैम जी, प्लीज। एक मिनट, एक क्विल्ट है जी। ये सिर्फ क्विल्ट नहीं, 3000 सेक्स वर्कर्स हुए थे। oh, उनको दे हैव मेड इट 20 इयर्स, आई टुक 20 इयर्स to rehabilitate them. Oh my and God. Bring them to mainstream. Wow. And they have made this. Thank you, Sudha ji. Thank you. And there is a book on that. 3000 taake. Wow. Okay. So, thank you, ma'am. Sir, this is so beautiful. Thank you, Sudha ji. Thank you so much. Thank you very much. मैं जरूर पढ़ूंगा ये book. और मैं गुनीत जी से एक गुजारिश है। देखो आपने तो, आपको तो मिली है ऑस्कर की ट्रॉफी, हमें कम से कम दिखाई दो। बिल्कुल बिल्कुल। वाओ, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। रियली यार, हमको भी पकड़ने दो। ये हमें फोटो की जाते हैं रवि ना, एक हमारी फोटो की ना, हम बोल लेंगे हम दोनों ने एक फिल्म की थी, मैं उसके लिए मिला। थैंक यू गुनीत, थैंक यू, सच ए प्राउड मोमेंट। थैंक यू गुनीत, थैंक यू। बस इसी तरह हम काम करते जाएं। और बिल्कुल जी, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने प्यार से बैठ के सुन रहे थे। और जितने भी दर्शक हमें इस समय टीवी पे देख रहे हैं, आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमें मिलने आते रहिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबक। थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।